हाय दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर केतन। सो हाय केतन, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। सो दोस्तों, केतन आपको बताने वाले हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने दुकान खोल के रखी हुई है ना एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम पे, जो लोग कहते हैं आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे, तो इनके साथ कैसी चीटिंग हुई, क्या चीटिंग हुई, ये उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। सो बताइए केतन। तो पहले तो मैं शुरू बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे 4 साल लगभग हो गए इसके पीछे, मतलब इस ड्रीम को एग्जीक्यूट करने के पीछे, कि भाई मैं बोलता हूँ शुरू शुरू में बहुत क्रेज होता है ड्रीम में ना, आगे ऐसा लगता है चांसेस ज्यादा होते हैं हमारे साथ धोखा होने के। मतलब बोलते हैं ना, मैं अगर ऑनेस्टली बोलता जाऊँ ना, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी हो जाती है उसमें। सामने वाले तो बैठे बट जहाँ हम ही रहे, बट इट इज जस्ट लाइक हम प्योरली अपने ड्रीम के पीछे रहते हैं। हमको लगता है कि हर पॉसिबिलिटीज हम करें, चाहे हाँ एक्सप्लोर करें, कुछ रह ना जाए और हम टेम्प्ट हो जाते हैं, वही धोखे होता है। वो नहीं हर चीज में होता है, इट इज जस्ट अभी मैं टॉपिक फिल्म इंडस्ट्री के, इसलिए तो मेरे लिए वही ज्यादा प्रायोरिटी नहीं पड़ता, तो मेरे लिए काफी इजी हो गया उस चीज में जाना। तो जब मैं शुरू में मतलब था कि करना क्या क्या, स्टेप क्या क्या लिया जाए, जब मैं ऑडिशन के लिए सब जगह पे जाने लगा, तो कुछ कुछ ऑडिशन ऐसे थे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस लेते, ये सब बेसिक चीजें होती थी, ज्यादा भी नहीं कुछ इश्यूज है, तो वहां पर बहुत ट्राई किया बट वर्कआउट नहीं हुआ। फिर कभी फिर मैं लोगों को फॉलो करने लगा कि भाई उन्होंने क्या क्या अपने लाइफ में किया है, किस वजह से उनका क्रैक हुआ वो चीज को। सॉरी केतन, मैं जानना चाहूंगी, जैसे हम इस टॉपिक को घुमाते नहीं हैं, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप अनुपम खेर, आप अनुपम खेर की एकेडमी से हैं, एक्टर्स प्रिपेयर से, सो वहां पे आपके अनुपम खेर से कैसे मुलाकात हुई, आपको कैसे उन्होंने रिकमेंड किया और आप कैसे उनके इंस्टीट्यूट पे पहुंचे और आपके साथ वहां पे क्या हुआ, पहले आप मुझे ऑनेस्टी से वो बताएं। एक्चुअली क्या है, उनकी मुलाकात मुझे एयरपोर्ट में हुई थी उनसे, शॉर्ट में बताओ तो उनको मैंने उनका जनरली उनके बारे में पूछा था कि आपने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे आपको ब्रेक मिला, आपने कैसे मतलब इस चीज में मुकाम हासिल किया वगैरह। तो उन्होंने अपने बहुत प्योरली नेचुरली उन्होंने अपनी चीजें बताई। फिर जब मुलाकात के एंडिंग में ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम चाहिए तो मेरा खुद का एक एकेडमी है, आप जा सकते हो उधर, आप ट्राई कर सकते हो अपना मेहनत जो है। तो मुझे काफी वो चीज ऐसा लगा कि अब तक मुझे इस चीज का पता नहीं था, अब उन्होंने बताया, वो खुद भी बोल रहे, तो मैं ज्यादा उस चीज के लिए रेडी हो गया। फिर मैं डायरेक्ट उनके पहुंचा एकेडमी, उन्होंने बोला कि मुझे रेफरेंस उनकी तरफ से हुआ, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है आपको ये चार्जेस है, ये आपको है 1 मंथ का कोर्स के लिए इतना है, 3 मंथ का इसके लिए, आपको कौन सा ज्वाइन करना है। अब मेरे को जितना मैं अफोर्ड कर सकता था, तो मैंने 1 मंथ के हिसाब से ज्वाइन किया और ज्वाइन करके वही अपना जॉब भी करना, भाग के फिर अपना वो 3 आवर्स का सेशन कम्प्लीट करना, वो सब मैंने किया। 1 मंथ के बाद सर्टिफिकेशन हुआ, सारा चीज हो गया और मैं काफी रेडी था, श्योर था, अब तो मैंने बहुत कर लिया, मतलब टेक्निकली ये वो सर्टिफिकेट कोई मुझे पूछे भी तो बोल सकते कि मैंने किया। तो मैं बड़ा जोश भरा था कि अब मैं ऑडिशंस दूंगा, कुछ होगा वगैरह, और जस्ट स्टार्ट हो ही रहा था, अनलकीली ऐसा हो गया कि लॉकडाउन भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो और ऐसा हो कि जब फिजिकली ऑडिशन हम देने, वहां सर्टिफिकेशन किया या ना किया फिर भी एक मौका रहता जाने का, वो भी नहीं हुआ। और जब लेकिन वो लॉकडाउन फिनिश हो गया, तो हर जगह हर लोग जिस तरीके से जाते हैं, मैं भी बिल्कुल नेचुरल थे, ऐसा हो गया कि मेरे लिए ऐसा हो गया कि वो सर्टिफिकेशन हो या ना हो, मैंने कोर्स किया हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज का, मेरे को कोई यूटिलाइजेशन एक्चुअली नहीं मिला। और जहाँ प्लेसमेंट और इसकी बात की, मुझे तो उसका चीज का कोई एक्चुअली हेल्प नहीं मिला। तो मुझे एक बात बताएं, सॉरी बीच में टोक रही हूँ, जैसे कि आपने अनुपम खेर की एक्टिव प्रिपेयर से कोर्स किया, सो जब आपका कोर्स हुआ कंप्लीट, तो क्या इन लोगों ने कुछ रेफरेंस दिए कि आप वहां जाके मिलिए, ऑडिशन दिए? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। जहां तक मेरे को ऐसा अजम्पशन है कि जहां लोग बोले बहुत लाख रुपीस पे करके शायद 3-4 महीने का कोर्स करते, शायद उनको देते होंगे, उनको मिलता होगा हेल्प, बट मेरे को या मेरे जो बैच में जो तो किसी को भी ऐसा मैंने देखा नहीं कि किसी को रेफरेंस मिला या काम मिला, ऐसा तो बिल्कुल किसी के साथ नहीं हुआ ना मेरे साथ। जिन लोगों के साथ आपने कोर्स किया, जो आपके साथ जो सर्किल था आपका, जो 1 मंथ वाले थे, आप आज भी उनके टच में हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो व्हाट्सएप में आज भी हूँ, कभी अगर हम एक्सपेक्ट करते थे कि कोई ना कोई तो डाले अपना, भाई मेरे को ये एक्टिंग मिल गई, मैंने काम कर लिया, तो हमें भी दिलासा हो कि भले शायद हमारे भी कमी होगी इसलिए नहीं मिला, लेकिन किसी को भी नहीं मिलते तो ये समझ में आता है कि यार बहुत रेशियो कम है, ये बस एक गैम्बलिंग के जैसा है। और मैंने तो ये देखा है कि जो लोग ने वो कोर्स नहीं किया है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपनी एक्टिंग में काम मिल गया उनको। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी ये होगा ना माइंड में कि हम कोर्स करके ही हमें काम मिलेगा या वहां जाके काम करके, ये तो ये एक्चुअली सच नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि आपसे मुझे सर्टिफिकेट देखनी है, अगर मैं चाहूँ, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं या झूठ बोल रहे होंगे, लोगों को आदत है। नहीं नहीं बिल्कुल, मेरे पास है, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे डिस्प्ले करने के लिए, ऑफ कोर्स जो अगर हमें कुछ स्टोरी अपनी बता रहा हूँ, मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूँ या
कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इट इज जस्ट मेरी खुद की इंडिविजुअल स्टोरी है कि मुझे से क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। और हो सकता है बहुत पर्सन लोग होंगे जो बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्कैम उनके साथ हो सकता है ऑटोमेटिकली, तो शायद वो कोई भी एक जन भी बचता है तो मुझे खुशी होगी कि मेरे को तो कोई बचा नहीं पाया, कोई सेव नहीं कर पाया उस टाइम पे, लेकिन कोई और भी बचा ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जरिए तो कहीं ये ऐसा तो नहीं, अभी आपने जो 12th फेल फिल्म आई थी आपने देखी थी? हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें जब ये जाता है एडमिशन लेने के लिए विक्रांत में, तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट वाले ऐसा एक डमी फोटो खिंचा करके लगा देते हैं कि ये हमारे यहाँ से स्कैम चल रहा है, और जैसे विक्रांत मैसे एक ऑफिसर बनता है ये सेम टीम वहाँ पहुंचती है, उसको कहती है 1.5 से 2.5 लाख रुपए का ले लो और अब हमारी कंपनी का नाम ले लो। तो कहीं ये डमी ये जो प्लेसमेंट्स है ये कहीं डमी प्लेसमेंट्स तो नहीं है? हो भी सकता है, कुछ कुछ है भी एक्चुअली। अभी अनुपम एकेडमी में अगर बहुत लोगों को अगर काम मिला भी है तो फिर मैं कह नहीं सकता वो चीज तो, लेकिन मैंने जरूरी मैंने बिल्कुल वैसे भी सुने हैं कुछ कुछ है ऐसे जो डमी ही एक्चुअली लेते हैं, 1-1 लाख सीधा सीधा उनका वही फीस रहता है, कराते हैं और आगे कुछ काम नहीं मिलता होता नहीं उनका, बस ये बड़े बड़े ड्रीम्स दिखा के करवा लेते कुछ अपने पैसे आगे, बाद में मैं कौन तू कौन। ट्रू। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आप एक एक्टर हैं, आपके अपने फैमिली बैकग्राउंड के इशू है ना, तो मुझे बताएं जब आप अनुपम खेर को मिले थे उस समय आप क्या करते थे, क्योंकि लोगों को पता चले कि आप कोई एक अनपढ़ इलिटरेट आदमी नहीं है, आप एक प्रॉपर बैकग्राउंड रखते थे। यस, यस। तब आप अनुपम खेर को मिले और आपने कोर्स किया, तो क्या करते थे? मैं एक्चुअली तभी मैं एयरपोर्ट पे काम करता था एज ए ग्राउंड स्टाफ, और मेरा काम था कि मैं पैसेंजर्स को एस्कॉर्ट करता था जो वीवीआईपी पैसेंजर, तो दैट वाज लाइक मेरा वर्क पार्ट ऑफ वर्क था, तो उस जरिए मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जनरली। तो उसके बाद उनसे कन्वर्सेशन होने के बाद मुझे ये उनसे ये आइडिया इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये चीज तुम कर सकते हो, तुमको एड ऑन करके इसमें कुछ करना है। तो एक बात मुझे बताएं, आप मुंबई में रहते हैं? हाँ। आप मराठी ही हैं? यस। तो अब आप ये सोचें, हाँ, ये स्टेट हमारा महाराष्ट्र है, आप एक मराठी हैं, आप एक मुंबई में रहते हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आप एयरपोर्ट में जॉब करते हैं, आप कोई रेलवे में या कहीं एक बाहर से आए हुए आदमी नहीं है। Correct. तो जब आपके साथ इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो बाहर वाले के साथ तो और इजीली हो सकता है बहुत ही, क्योंकि वो पूरी उम्मीद है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आते हैं, और जब अगर वो गवा देंगे ना तो उनपे कितना इम्पैक्ट हो सकता है, बंदा सुसाइड तक कर सकता है, स्ट्रीट पे आ सकता है, वो ये हो जाएगा कि मैं वापिस नहीं जाऊंगा अपने गाँव, या तो कुछ गलत कर लेगा खुद के साथ, या तो जो मजबूरी आन पड़ी वो चीज करेगा, और जिनके उनके आपस के लोगों को खबर भी नहीं होगी उसके साथ क्या बीत रही है। करेक्ट, कहानी है तो ये लोग कुछ भी बना देते हैं। हाँ। कभी लड़की का नाम ले लेते हैं तो कभी कह देते हैं वो फाइनेंशियली क्रंचेस में था, एक्चुअल कहानियां तो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मुझे एक बात बताएं केतन, जैसे कि चले आपके पास तो रहने वगैरह सबके लिए थी, बहुत सारे लड़के जो ये लड़कियां छोटे शहर में उन्हें बोल दिया जाता है कि आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत सुंदर है, आप हीरो बन सकते हो, हीरोइन बन सकते हैं, उनके माता पिता किसी के माता पिता किसान होते हैं, कोई मजदूर होते हैं, कोई लोन लेकर आते हैं, अगर यही एजेंसीज जो फ्रॉड कर रही है, जो हमने 12th फेल में भी देखा, अगर ये ऐसा चलता रहा तो लोगों की क्या दशा होगी, लोगों के साथ क्या नहीं हो सकता? बहुत बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि अभी जितना जितना ये इजी हो रहा है और जो ग्लैमर जो लाइफ देख के लोग अट्रैक्ट होके आते हैं, जैसे जैसे मतलब ये बहुत इजी हो रहा है, लोग बहुत इजी हो गया, आज व्हाट्सएप का जमाना है, पहले तो फिर भी बहुत डिफिकल्ट था, घर वाले रोक के रखते थे या बंदे को पता नहीं चलता था अपने गांव में रह गया ये वो, किसी ने बहुत बोल दिया वगैरह तब जाके वो इनिशियल लेता था, अब इतना इजी हो गया कि हम सब मोबाइल में देखते रहते हैं और अट्रैक्ट होते हैं और हम वो स्टेप ले लेते हैं, और उसकी रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत जन आना चाहते है, कोई बुराई नहीं है, सबका अपना अपना सपना है, सबको दिल करता है यार हमने बचपन से फिल्म देखे ये देखे वो देखे, बट वो खुद को फिल्टर बहुत करना जरूरी है कि हम वाकई में उस लायक है या नहीं, मतलब हम कर पाएंगे हमको, क्योंकि हमारे खाली खुद की जिंदगी की नहीं, हमारे पीछे शायद बहुत लोग हैं और उनके बारे में सोचना जरूरी है पीछे, क्योंकि हम गए अगर हमने बहुत बड़ा लॉस कर लिया अपने लाइफ के साथ, खुद का तो किया ही किया अपने पीछे, हो सकता है कि जो तुमको सही रोकना चाहते थे, तुम्हारा भला करना चाहते थे, उनको भी तुमने हर्ट कर दिया, और ऐसा हो गया कि आप उनको रिवाइंड नहीं कर सकते, आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम, बहुत वैल्यूएबल मनी, करियर सब तुमने स्पॉइल किया उसके पीछे, तो बहुत सोच समझ के मैं चाहता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि समझता हूँ कि स्टेप लेना चाहिए वो चीज को, बहुत फिल्टर करके। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको नहीं लगता कि जो प्लेसमेंट्स में जो फोटोज लगा के रखते हैं कि एक्टर हमारे यहाँ से निकला है, ये न्यू कमर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो चेक करें कि वाकई एक्टर वहां से है,
या ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, सर्च करना बहुत मुश्किल है? ये एक्चुअली ना इसके ऊपर मेरे को लगता है कि अवेयरनेस ज्यादा उतना है नहीं. आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट निकल रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है तो फिर जाके उस पे इनिशियल सब ले रहे हैं और बच रहे हैं. तो ये भी शायद एक ऐसा हो सकता है कि इस पे अगर अवेयरनेस बढ़ गई, क्लियर कट समझ में आ गया, कुछ चीजें लोगों कुछ लोगों के बिजनेस एक्सपोज हो गए, फिर जाके पॉसिबिलिटीज है कि ये चीज मतलब इस पे कुछ भी कंट्रोल हो लोगों की खुद जिंदगी बचे. विवेक बिंद्रा के साथ हुआ, हाँ जो भी, हाँ उनका उसमें हो सकता है कि वो 70-80% बहुत ही प्योर बिजनेस उनका बिल्कुल ये है, लेकिन 10-20 जो भी थोड़ा भी अगर गलती उनसे हुई है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ गया उसका. तो मुझे एक बात बताएं, जब आप पहली बार वहाँ प्लेसमेंट के लिए गए तो ये लोग वो जो NDA साइन करवाते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कल या उससे कुछ भी शब्द है कि कल अगर हमने आपका प्लेसमेंट नहीं कराया हमारी वजह से हुआ, नहीं हुआ तो भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको सिखाने का हमने काम किया ऐसा. लेकिन ये फ्रॉड नहीं है. मुझे एक बात बताएं, जैसे मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, कॉलेज के ऊपर लिखा होता है प्लेसमेंट गारंटी, क्योंकि वो प्लेसमेंट के लिए कंपनी को बुलाते हैं, आपको कैंपस में भेजते हैं. अब आप में आप कैपेबल है, आप निकाल लेते, नहीं हो पाते. लेकिन आपके केस में आपको शायद 4 साल हो गए, 5 साल, 4-5 साल हो चुके आप लोग को ना कोई प्लेसमेंट के लिए भेजा गया, ना कोई टीवी शो वाले आप लोग का प्लेसमेंट करने आए, ना आप लोगों को ऐसे 20-25 प्रॉपर रेफरेंस दिएगा. ये होना चाहिए, ये होगा ना मेरे हिसाब से तब वर्थ है, तब कहा जा सकता है कि हाँ उसका कोई यूज है, वो एकेडमी वाकई में जेन्युइन है, ये तब पॉसिबल है. अगर आपका ऐसा क्राइटेरिया है कि भाई नहीं इतना बड़ा कोर्स करो, इतने 2-3 लाख का कोर्स करो, तभी वो हम उसमें से थोड़ा रेफरेंस या सपोर्ट कर सकते, तो गलत है. मेरे को लगता है कि फिर वो प्रॉब्लम है, गलत है ना. अभी देखो मैं एक बात बताती हूँ, जैसे आप गए कोर्स करने, एक तो पहली बात कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये साइन ही नहीं करवाना चाहिए कि कल हम आपका नहीं कराएंगे तो आप ब्लेम नहीं कर सकते. दूसरी चीज, इनको इतनी प्रॉपर कॉन्टेक्ट देने चाहिए, आपकी डिक्शन सही है. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी मेरी ये सेकंड मुलाकात है, राइट? हम लास्ट टाइम जीवदानी माता के मंदिर में मिले थे. तो जब आपका डिक्शन सही है, आपकी आपका फेस सही है, आप लोकल है, आपको रहने का कोई स्ट्रगल नहीं, तो कम से कम ये आपको 20-25 रेफरेंस तो दें. आप जाओ, जाके ऑडिशन दो, चलो आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, आप कम थे, उन्होंने सिखाया, दूसरी जगह भेजते, तीसरी जगह भेजते, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं किया, तो फिर किस काम किए? हाँ, तभी मुझे ज्यादा वो रिग्रेट फील होने लगा कि कोई यूज नहीं है, मैंने बहुत टाइम भी वेस्ट किया और मनी भी वेस्ट किया, जो भी बहुत वैल्यूएबल था उस टाइम पे. यहाँ पर मुंबई में एक्सपेंस और बाकी चीजों को लेकर मतलब सर्वाइविंग बहुत ही चैलेंजिंग है, और उसमें हम इस तरीके से हम अपने पैसे गंवाते तो बहुत ज्यादा लगता है, बहुत इम्पैक्ट करता है वो चीज को. बिल्कुल. तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो लोग ये कभी सोचते हैं कि किसी मतलब किसी फर्म में जाकर वो सीखे, उन्हें काम मिल जाएगा, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, बहुत एक्स्ट्रा मनी पड़ा है और आपको कुछ फिजूल चीज नहीं करनी, फिर भी ठीक है आप चले जाओ, लेकिन आपके पास बहुत वो बहुत वैल्यूबल मनी है, बहुत उसका मतलब होते हैं ना, आप एक ही बार दाव खेल सकते हो उसके कुछ अच्छा करने का, तो बिल्कुल भी आप बहुत 100 बार सोचिएगा उस चीज को पूरा टटोल के कि क्या मेरे को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है क्या. और जो लोगों ने किया है वहां से कोर्स, उनको आप क्रॉस चेक कीजिए, फिर आपको 10 में से अगर 6-7 लोग बोल रहे कि नो यूज है, फिर आप बहुत सोच समझ के वो डिसीजन इजीली ले पाएंगे. और आप बिना वो जाने बस अट्रैक्शन है, बहुत मतलब तस्वीर लगी हुई है, बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग लग रही है, वो सब में मत जाइएगा, बिकॉज बाद में आपको ही लॉस है उस चीज को. और मुझे ऐसा है कि ऑडिशन और ये चीज देना फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है कि आप 1000 बार ऑडिशन दो तब तक एक बार लगेगा यही फैक्ट है, तो 1000 आपको ऑडिशन पूरा करना ही पड़ेगा, आप 500-600 पे नहीं रुक सकते. हो सकता है कि वो 500-600 के बाद और एक करने वाले थे, आप करना चाहिए था तो आपका लग जाता, लेकिन आपने गिव अप कर दिया, तो आपका सिर्फ ऑडिशन पे ही डिपेंड है प्योरली आपको काम मिलना है तो. बस वो जो पैसे आप गवा रहे हो, अच्छा इधर उधर जाने में, ऑडिशन देने में, गाड़ी वाड़ा में खर्चा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहां से प्योर रिजल्ट मिलेगा, एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा. अगर वो फ्री में बैठे ऑडिशन ले रहे, मतलब वो भाई आपके लिए बैठे, आपके पैसे नहीं ले रहे ऑडिशन लेने के लिए, मतलब सच में जेन्युइनली उधर काम हो रहा है. और जहां स्कैम हो रहा है, कंसल्टेंसी वाले होते कि भाई 10,000-20,000 भरो, हम करते हैं, हम लगवाते हैं, आपको ये रोल दिला देंगे, वहां तो मत पढ़ना वहां, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है. अच्छा, ये उससे भी ज्यादा है. ये कैसा बताओ मुझे? मेरे को बहुत कंसल्टेंसी वालों की कॉल, बहुत एजेंट लोग के आते थे जो मतलब एकेडमी से पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं बात कर रहा हूँ. मेरे साथ हुआ भी है, 10-15 जन उसमें भी गवाए,
इतना टेम्प्ट मतलब पूरा भेज भेज के ना व्हाट्सएप पे कि ये हो जाएगा, देखो आप लूज कर रहे हैं, देखो हम आपको लॉक कर सकते हैं, ये रोल के लिए ऐसा ऐसा होगा, ये वेब सीरीज हो रही हो जाए, तो इतना समझो ना टेम्प्ट, ऐसा सोचते हैं कि यार इतना कर ले, चल ये बिलीव करके देख लेते हैं और बहुत इजीली पैसा बच जाए। फिर कभी कभी ना वो यूनियन विनियन कार्ड बनाने बोलते हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं और कुछ नहीं होते, वो भी बनवा लेते हैं, जिसका मैंने 4-5 हज़ार का बनवाया था लेकिन इट वॉज नो यूज, तो बिल्कुल मतलब बेकार पड़ा हुआ है, डरा देते कि ये नहीं रहा तो आपको काम नहीं मिलता, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपके पास आइडेंटिटी नहीं रहेगी, ऐसा चीजें बोल देते ना, हमें लगता है अरे यार गड़बड़ है, फिर हम वो भी बना लेते, इतना सारा हो चुका है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ स्कैम होने के लिए, ये आप इसमें नहीं फंसोगे तो आप इसमें फंस जाओगे, इसमें नहीं फंसोगे इसलिए, तो जितना हो सके मैंने सब बता दिया, ये चीज कंसल्टेंसी हो गया, यूनियन कार्ड हो गया, एकेडमी हो गया, यू सपोज टू लाइक ना फाइंड द जेन्यून, तब जाके कुछ यूज है, और आपको जेन्यून नहीं मिल रहा है बहुत मतलब दिल टूट जाएगा, पैसा लगेगा कि सो दोस्तों मैं जो समझ पाई हूँ, अगर कोई इंसान आपको काम दे रहा है और काम देने के लिए आपसे पैसे ले रहा है तो आपको इस ट्रैप में नहीं घुसना है, क्योंकि जो आपको काम देगा वो आपको पैसे देगा, पैसे नहीं, यही फैक्ट है ना। सेकेंड चीज, जो लोग कहते हैं कि हम एक्टर प्रिपेयर्स वाले हैं या कोई भी है, आप उनका पिछले 10 साल का प्लेसमेंट जरूर चेक करें, जब तक आप श्योर नहीं आप पैसे मत लगाएं, क्योंकि आपके माँ बाप आपके सपने देखकर अपनी जमीनें बेचकर आपको यहाँ तक भेजते हैं, जमीर बेचने के लिए नहीं, और ना तो किसी और का जमीर खरीदने के लिए, तो ये गलती ना करें। तीसरी चीज, ये कार्ड वाली जो बात है, हमारे यहाँ एक एसोसिएशन है जो आर्टिस्टों का है, मैं उसके बारे में नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये सब चीजें तब होती हैं जब आपके पास काम होता है, जब आप कंटिन्यूसली शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे एसोसिएशन वाले चेक करने आते हैं। लेकिन अगर आपके पास काम नहीं है और आप काम ढूंढ रहे हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, जबकि जो एक्चुअली जेन्युइन होते कार्ड बनाने वाले वो उल्टा वो इवन एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तभी बनाने देंगे, ऐसे नहीं कि हम 2 लाख रुपए भी पटक दिए तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो जेन्युइन है। आप उसके लिए एसोसिएशन पे जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे आपने पहले 6 एपिसोड्स किए हैं क्या, आपसे वो सीडी डीवीडीज मांगेंगे, आपके पुराने काम का रिकॉर्ड मांगेंगे, तब वो आपको जाकर के कार्ड देंगे, ऐसे रोड चलते हुए पेपर पकड़ा कर आपसे 4,000 रुपए लेके जो कार्ड देते हैं उनके खुद के खाने के वादे हैं, वो आपके लिए क्या करेंगे। तो कृपया करके इन ट्रैपों में ना घुसें, और इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। टिल देन बाय बाय।